Yes, students, in the previous video lecture, we have discussed that how entertainment, games and yoga are important for our body. Now, today we will discuss in this video lecture the increase in breathing rate. हमारी जो श्वास दर है उसमें किस प्रकार से वृद्धि होती है, that thing we will discuss. So, let's start. We have to run and jump when we play any गेम. जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हम रन भी करते हैं और जंप भी करते हैं. व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस. और जब हम बहुत तेज भागते हैं तो जो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है यानी कि श्वास गति होती है वो बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी तेज तेज हम सांसें लेते हैं. नाउ थिंग्स टू डू, आपको ये चीज़ें करनी है उसके बारे में बताया है कि सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली. रिलैक्स होके बैठ जाइए और नॉर्मली सांस लीजिए. Place your fingers in front of the nostrils. अपनी जो fingers हैं वो अपने nostrils के पास में, जानते हो ना जो आपकी nostrils two holes होते हैं आपके, that is called नथुने भी कहते हैं हिंदी में. And feel the inhaled and exhaled air. और आपको सांस अंदर ले जानी है, inhale करनी है और exhale करनी है, बाहर छोड़नी है. Now जंप एट योर प्लेस 10-12 टाइम. और लगभग 10-12 बार आप लोग एक स्थान पर खड़े होके जंप कीजिए. एंड देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन. और वापस से आपको सांस अंदर ले जानी है और बाहर छोड़नी है. व्हाट डू यू रियलाइज इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीथ इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इज इट कोल्ड. आपने ये सारा प्रोसेस करके, ये चीज करके आपको कैसा रियलाइज हुआ, आपकी जो सांस आपने बाहर छोड़ी, इनहेल की अंदर ली और एक्सहेल की बाहर छोड़ी, तो उसके द्वारा आपको कैसा लगा, स्लाइटली हॉट थी या कोल्ड थी? तो यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो व्हेन यू सिट नॉर्मली एंड ब्रीथ, इट मीन्स दैट जब आप नॉर्मली बैठे हुए थे और आपने जब सांस ली तो आपकी जो ब्रीथ थी वो कैसी थी, कोल्ड थी. बट व्हेन यू सिट रन, जब आप लोग भाग रहे थे और या दौड़ लगा रहे थे, फास्ट ब्रीथिंग कर रहे थे, तो उस समय आपकी जो ब्रीथ थी वो कैसी थी, हॉट थी. नाउ नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन दैट समटाइम्स द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर्ड. कई बार आपने देखा होगा या आप देख सकते हो कि जो ग्लास है या जो मिरर है, सरफेस बिकम ब्लर्ड. तो उसका जो सरफेस है वो ब्लर्ड हो जाता है, थोड़ा धुंधला हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ मॉइस्चर. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर, नमी चली जाती है इन आवर ब्रीथ. हम जब सांस लेते हैं तब भी उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है, विच कंडेंसेस ऑन द कूल सरफेस. और ये सब कब होता है, जो कूल सरफेस होता है उसको कंडेंस करता है, उसको कम करता है. वी कैन डू मैनी एक्टिविटीज़ बाई ब्लोइंग एयर. और हम अपनी ब्लोइंग एयर के द्वारा कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, सम क्वेश्चंस आर गिवन दैट वी विल डिस्कस. नंबर वन इज वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर बाई ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. क्या माउथ के द्वारा जो एयर है उसको ऊंचा किया जा सकता है या आग जलाई जा सकती है? माउथ से जब हम हवा लेते हैं तो उसको फूंक मार सकते हैं तो उसको ऊंची हो जाती है? यस, द आंसर विल बी यस, ऑब्वियसली हो जाती है. नाउ सेकंड, वेदर फायर कैन बी पुट आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. जब हम हवा से, जब अपने मुंह के द्वारा जब हम हवा से आग को बुझाते हैं तो क्या होता है, वो बुझ जाती है? यस, ओबियसली बुझ जाएगी. जब आप फूंक मारोगे किसी चीज़ में, किसी आग में, तो वो बुझ जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ. कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन से ऐसे संगीत वाद्य यंत्र हैं जिनको हम माउथ से उसमें एयर के द्वारा या उसमें हवा के द्वारा उसको बजाते हैं? तो आप जानते हो, ये तो फ्लूट है, शंख हैं और आपके सहनाई वगैरह हैं. ये आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ब्लोइंग हेयर, फूंक मार के या अपनी माउथ की हवा के द्वारा इनको हम बजाते हैं. नाउ थिंग्स टू डू, अब आपको क्या करना है, एक्टिविटीज गिवन. सो यू हैव टू, सो फर्स्ट यू सी द पिक्चर दैट फ्लूट प्लेड बाई ब्लोइंग एयर इन इट. इसमें एक फ्लूट प्लेयर दिया गया है जो फ्लूट प्ले कर रहा है ब्लोइंग एयर के द्वारा, यानी कि अपनी हवा के द्वारा या उसको
फूंक मार करके बजा रहा है, बांसुरी है, फ्लूट है। नाउ आपको क्या करना है, टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, आपको धागे की जिसमें धागा लगा रहता है उसकी एक रील लेनी है, एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड बाय स्टिकिंग ए पेपर ऑन इट, और इसकी एक साइड को पेपर से स्टिक करके क्लोज करना है। नाउ मेक ए स्मॉल होल नियर द क्लोज एंड, और जहां आपने इसको एंड किया है वहां पर एक होल करना है, एक छेद करना है, एंड प्लेस ए सीड ऑफ मून स्वीट कैन प्लांट, जिसको कि शकरकंद भी बोलते हैं, उसका एक आपको सीड लगाना है वहाँ पर, एक बीज लगाना है ऑन द होल। ब्लो एयर इन द रील बाय कीपिंग द ओपन एंड इन द माउथ, अब इसका जो ओपन पार्ट है रील का उसमें एयर ब्लो करनी है, फूंक मारना है, एंड सी व्हाट हैपन, और देखो क्या होगा। तो आप बता सकते हो क्या होगा, सीड ऑन द होल विल फॉल डाउन, जो होल में सीड है वो क्या होगा, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा ये एक्टिविटी करने से। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। Now next activity is given, sit, relax and breathe normally, note the time and count how many times you breathe, normally sit हो जाइए और breathe कीजिए, then उसका time देखिए आपने किस time उसको किया है, how many times you breathe in 1 minute, एक मिनट में आपने कितनी बार breathe किया है, कितनी बार सांस ली है, repeat this exercise with your classmates, और इसी exercise को आप अपने क्लासमेट के साथ भी कर सकते हैं। तो ए पर्सन ब्रीथ अबाउट 15 और 20 टाइम्स इन ए मिनट, एक मिनट में जो पर्सन है वो लगभग 15 से 20 बार सांस लेता है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।